नेक्स्ट क्वेश्चन है साडा, उपर वाला देख लीए पहला, ये केड़ा है? सर मैं पोलीटिकल साइंस पंजाबी इलैक्टिव फिजिकल एजुकेशन की हुई है। देखो तुहाडा फिजिकल एजुकेशन मेजर बनता है, इधरों पोलीटिकल साइंस मेजर बनता है। जे तुसी जी एन डी यू दे विच हो तो तुहानूं फिजिकल एजुकेशन टी जी टी लिए एलीजिबल हो, ये मेजर लै सकते हो। पोलीटिकल साइंस तुसी पी जी टी लिए एलीजिबल होवोगे जो एम ए पोलीटिकल साइंस कर लोगे, उस तो बाद ही एलीजिबल होवोगे। ठीक, सो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तुहाडियां यही ऑप्शन है, फिजिकल साइंस पंजाबी, पोलीटिकल साइंस पंजाबी, पंजाबी इलैक्टिव पढ़ी है, टी जी टी लिए एलीजिबल हो, गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल हो, कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा, और एम ए पंजाबी करके तुसी पी जी टी लिए भी, पी जी टी लिए भी एम ए पंजाबी करके एलीजिबल हो जाओगे। दूसरा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नहीं हो तो पंजाबी दूसरी यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, तां तुसी पोलीटिकल साइंस की जगह पर नाल ही एस एस टी लै सकते हो, पर अडिशनल पेपर तुहानूं हिस्टरी का ही देना चाहिए है। ड्यूरिंग बी एड भी दे सकते हो, बाद विच भी दे सकते हो, कलैश हो जाता है, तुहाडी जिम्मेवारी है, यूनिवर्सिटी की नहीं है। पंजाबी इस नाल तुसी एस एस टी के नाल पंजाबी तुहाडा बन गया। दूसरा तुहाडा एस एस टी ते फिजिकल एजुकेशन भी बनता है, सो ये प्रैफर करना है किधर जाना है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन दी पोस्टा घट होंगे, पंजाबी दी ज़्यादा होंगे, इसलिए एस एस टी तो ये बैटर है, पर यह एडिशनल करना पड़ेगा। तो बाकी फिजिकल एजुकेशन तो पंजाबी का वह जिमें पिछे दसिया है उही बने ने। टैट विच हाँ तो तुसी सिलेक्शन टैसट विच जोर लाना है, जिहदे विच नॉलेज ज़्यादा है उसनों ज़्यादा प्रैफर करो। सर मैं बी ए हिस्ट्री होम साइंस इलैक्टिव पंजाबी सबजैक्ट, ये किदां हुंदा है, ये भी हो जाता है पता नहीं। सो जे एम ए हिस्ट्री की है, मेरा बी एड में बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, टी जी और पी जी प्लीज़। जो अगर तो आप जी एन डी यू में हो, ठीक है, तो फिर आपका हिस्ट्री का हिस्ट्री ही रहेगा, हिस्ट्री के साथ आपका पंजाबी बन गया, ये कॉम्बिनेशन मेजर माइनर, और दूसरा बन गया होम साइंस और आपका पंजाबी, ये दो बेस्ट बन रहे हैं आपके। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ या पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हो, इस दोनों में, तो आप हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री की जगह पर एस एस टी ले सकते हो, लेकिन एडिशनल पेपर देना पड़ेगा आपको पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी इकोनॉमिक कोई भी, ये भी दे सकते हो, वो बीएड के साथ भी बाद भी दे सकते हो, फिर आप एस एस टी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल बनोगे। तो अगर इस यूनिवर्सिटी में हो तो एस एस टी के साथ आप पंजाबी ले सकते हो, ये बेस्ट रहेगा, बाकी कॉम्बिनेशन वैसे ही बनते हैं दूसरी सभी यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है सर, मैं बीएससी ग्रेजुएशन में 3 साल मैथ इकोनॉमिक्स कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन दस दौ। ये रहे मैथ नू ना छड्यो, टी जी टी लिए एलीजिबल हो, गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल हो, एडिशनल कुछ नहीं करना पैना, ओके। हाँ ये है कि 60 क्वेश्चन टी ई टी दे विच, टी ई टी सी होवे जां पी होवे, टेट दे विच मैथ ते साइंस दे आने हैं, उहदे विचों 15 क्वेश्चन पैडागोजी दे होने हैं, 45 जिहड़े मैथ्स ते साइंस दे अद्धे अद्धे आने हैं। सो ये तुहाडे चैलेंज ने। मैथ का सिलेक्शन टैसट 150 क्वेश्चन आने ने, इन्हां दा ख्याल रखना है। सो इहदे नाल कंप्यूटर साइंस इसलिए बैटर है कि टी जी टी लिए एलीजिबल हो जाते हो, पर जे तुहाडा इकोनॉमिक्स विच इंट्रस्ट है तो मैथ दे नाल इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा माइनर, लेकिन उस लई तुहानूं पोस्ट ग्रैजुएशन करनी पएगी, फिर तुसीं पी जी टी लिए एलीजिबल होवोगे, इधर तुसीं कंप्यूटर साइंस नाल टी जी टी लिए सीधे एलीजिबल हो। नैक्सट है सर, मेरे क्वेश्चन का आंसर मैंने इलेक्टिव पंजाबी हिस्ट्री और सोशियोलॉजी पढ़ा है, अभी इसका उत्तर दे के आया हूँ। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बेस पर आपने वो पढ़ी, बिल्कुल एस एस टी आपका बेस्ट बन रहा है, साथ में पंजाबी ये ही बेस्ट है, टी जी टी के लिए एलिजिबल, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल, कोई एक्स्ट्रा आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा। एम ए हिस्ट्री की हुई है, इसका बेनिफिट आप बी एड के बाद लीजिए, बी एड के बाद आप एडिशनल पेपर दीजिए, किसका, पैडागोजी ऑफ, पैडा लिखा है पूरा, ऑफ हिस्ट्री, फिर आप पी जी टी के हिस्ट्री के लिए एलिजिबल बन जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन है कितने रह गए सर, मैं बी एस सी ऑनर मैथमेटिक्स है तो आपका मैथ ही मेजर बनेगा, ये मेजर मैंने यहाँ लिख दिया है ना, ये टी जी टी के लिए आप एलिजिबल हो, एडिशनल कुछ नहीं देना पड़ना, बिल्कुल ठीक है। पी यू पी तो इस एक सेम इंग्लिश पढ़ी है तो एक सेम पंजाबी, 4 सेम कंप्यूटर साइंस पढ़ी है,
ये अपने प्रेफर करना है, ये हो गया आपका मेजर, और माइनर आपका ये भी हो सकता है, कोई फ़ायदा एक्स्ट्रा नहीं है। बेशक आप कंप्यूटर लो, पंजाबी लो या इंग्लिश लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इंग्लिश लेते हो फिर भी एडिशनल देना पड़ेगा 3 साल का TGT के लिए एलिजिबल बनने के लिए, पंजाबी लेते हो फिर भी ये एडिशनल, ये तीनों करने पड़ेंगे, अगर कंप्यूटर साइंस लेते हो फिर भी एडिशनल देना पड़ेगा ग्रेजुएशन का 3 साल का TGT का, क्योंकि 4 साल पढ़े होने से आप एलिजिबल नहीं बनते। सर फिर एक कॉम्बिनेशन मैथ इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस बन सकता है? नहीं, थोड़ा ये मेजर सिर्फ मैथ ही बनेगा और कोई नहीं बनेगा, मैथ नाल पंजाबी, मैथ नाल इंग्लिश, मैथ नाल कंप्यूटर, ये तीन कॉम्बिनेशन जो थानू एक चूज करना पड़ेगा। सर कितों फिल करना है सर फॉर्म? सर मैं मेरे को पोलिटिकल साइंस इलेक्टिव पंजाबी फिजिकल सब्जेक्ट है, हूँ ये बारे दस के आया हाँ। एडिशनल पेपर देना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। जेकर तुसी GNDU विच हो, मैं इहदा लिंक नीचे पा दिंदा हाँ, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, फिजिकल एजुकेशन इलेक्टिव पंजाबी ते पोलिटिकल साइंस है ना, GNDU विच हो तो पोलिटिकल साइंस ही तुहानू मेजर मिलेगा, ठीक है, उस दे नाल पंजाबी बनेगा तुहाडा, जे दूसरा तुहाडा फिजिकल एजुकेशन बनेगा नाल पंजाबी बनेगा, ये GNDU च है। जेकर तुसी GNDU तो इलावा दूसरी यूनिवर्सिटियाँ हो जिमें पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और चंडीगढ़, इन्हां दोनों विच हो तां तुसी पोलिटिकल साइंस की जगह नाल SST लै सकते हो, पर एडिशनल देना पेगा हिस्ट्री का दो तो बैटर है, जोग्राफी तो इकनोमिक्स भी दे सकते हो, 3 साल का BA का ओके, उस तो बाद SST गवर्नमेंट जॉब लिए एलिजिबल हो गए। फिर इन यूनिवर्सिटियों में पंजाबी पटियाला ते चंडीगढ़ विच नाल SST तुसी पंजाबी लै सकते हो, ये तुहाडा बेस्ट कॉम्बीनेशन है, दूसरा बन गया तुहाडा SST ते फिजिकल का, ठीक। सो सारी इन यूनिवर्सिटीज तुहाडा SST पंजाबी भी बनता है, SST फिजिकल भी बनता है। हुण SST पंजाबी क्यों बेस्ट है? कारण है कि पंजाबी दियां पोस्टां बहुत ज़्यादा निकलदियां ने, SST दियां भी फिजिकल एजुकेशन दियां पोस्टां बहुत घट निकलदियां हन, दैट इज़ वाई। अगे है सर मैं मेजर इकोनॉमिक्स माइनर मैथ सोच है, बिकॉज मेरे मैथ्स च ज़्यादा इंटरस्ट नहीं है, प्लीज़ दस दो कॉम्बिनेशन है। नहीं ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखो राजे आपने पढ़ा क्या है ये नहीं मुझे पता, BSc की है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, तो मैथ इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस, मैथ आप मेजर लो या माइनर लो इक्वल है, क्योंकि आप TGT के लिए एलिजिबल बन रहे हो, और इसमें आपने मैथ नहीं पढ़ना, आपने क्या पढ़ना है, आपने मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ने हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथ नहीं पढ़ना BEd में। तो अगर आपका फिर भी इंटरेस्ट कम है जैसे, तो आप सिलेक्शन टेस्ट के लिए कम्पीट नहीं कर पाओगे आपको लगता है, लेकिन आपको फिर दूसरा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, मैं MA इकोनॉमिक्स कीती है, मेजर इकोनॉमिक्स ते माइनर मैथ लेनी है, नाल PGT TGT ली दोनों लिए एलिजिबल हाँ, बिल्कुल ठीक है। जे मैथ तुसी तू पूरी तरह सजना छड़ना है, फिर तुसी कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स दे नाल कंप्यूटर साइंस मिलता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा एक बार। साइंस कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज है, कंप्यूटर साइंस फिजिकल साइंस है, लेकिन कंप्यूटर साइंस ते इकोनॉमिक्स है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस मैथ, कंप्यूटर साइंस के नाल मैथ अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स BCA ग्रेजुएट ऑप्ट पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस अदर शैल बी लैंग्वेज पैडागोजी ऑफ मैथ्स है, इकोनॉमिक्स कंप्यूटर नाल जो आप देखा है प्रोस्पेक्टस उस विच इकोनॉमिक्स नहीं मिलता, तो तुहानू बेस्ट कॉम्बीनेशन फिर बन रहा है तुहाडा, तुसी मैथ्स नू जे छड्डना चाहते हो तो फिर तुसी इकोनॉमिक्स नू ना छड्डो, क्योंकि तुसी MA कीती हुई है, हुण तुहानू चूज करना होएगा इकोनॉमिक्स नाल लैंग्वेज लेनी है तो लैंग्वेज का एडिशनल तुहानू देना पेगा, जे मैथ लेंदे हो तुहानू एडिशनल नहीं देना पेगा। सो मैथ इकोनॉमिक्स ही तुहाडा बेस्ट कॉम्बीनेशन बन रहा है, दूसरा मैथ कंप्यूटर साइंस बन रहा है, पर इकोनॉमिक्स तुसी क्योंकि इत्थे लिखा है कि MA इकोनॉमिक्स कीती है, तुहाडा बेस्ट मैथ इकोनॉमिक्स ही बन रहा है। मेजर कोई भी होवे, मेजर तुहानू मैथ ही लेना पैना है, इकोनॉमिक्स तुहानू कॉलेज जाके ही मिलेगा। सो बैटर है कि मैथ इत्थे लै लो, जाके तुसी कंप्यूटर साइंस भी चूज कर सकते हो, इकोनॉमिक्स भी चूज कर सकते, तुहाडे को टाइम होएगा।
हैलो सर, मैं बीए मैथ्स होम साइंस ते सोशियोलॉजी नाल कीती है। मेरा कंबीनेशन की होवेगा? मैं सोशियोलॉजी ते कोई एडिशनल पेपर देखे एसएस लई एलिजिबल हो सकती हाँ? मैनू गल समझ नहीं आई पर फिर भी जवाब देना पड़ेगा। मैथ्स भी है, होम साइंस भी है, सोशियोलॉजी भी है। सो यूनिवर्सिटी केड़ी है ये नहीं दस्या। जे जी एन डी यू है तुहाड़ी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो तां तुहाड़ा मैथ भी मेजर बन रहा है, मैथ्स भी, होम साइंस भी मेजर बन रहा है, सोशियोलॉजी जिहड़ा है नहीं बन रहा। सोशियोलॉजी जी एन डी यू च नहीं मिलेगा। ओके, सो मैथ दे नाल तुसी लैंग्वेज लोगे, होम साइंस दे नाल भी लैंग्वेज लोगे। जोड़ी लैंग्वेज लोगे, इंग्लिश मान लो लैने हैं, उसका तुहानू एडिशनल देना पेगा बी ए का 3 साल का, ड्यूरिंग बी एड या आफ्टर बी एड। ड्यूरिंग बी एड दिने हैं तो क्लैश की जिम्मेवारी तुहाड़ी होएगी। जेकर तुसी उसे यूनिवर्सिटी तो किया है जिस यूनिवर्सिटी तो ग्रैजुएशन है, अलग तो एडिशनल वीडियो दिते हुए ने, वो देख सकते हो। हुण तुहाड़ा दूसरा जिहड़ा बंदा है, जे तुसी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच हो, ये दो यूनिवर्सिटियां है, तो सोशियोलॉजी के बेस से ही तुहानू एस एस टी भी मिल सकता है, सोशियोलॉजी भी मिल सकता है। एस एस टी लेंदे हो तुहानू एडिशनल पेपर देना पेगा एक, फॉर एग्जाम्पल हिस्टरी का ही देना पेगा, बैटर है क्योंकि केंद्रीय निविद्या ते सी बी एस ई के स्कूलों से हिस्टरी का पेपर दे के एस एस टी लिए एलीजिबल बन जाओगे। इस तो इलावा जे सोशियोलॉजी जानते हो तो एम ए सोशियोलॉजी शायद तुसीं कीती है, एम ए सोशियोलॉजी जे कीती है फिर तुसीं सोशियोलॉजी दी एम ए करके पी जी टी लिए एलीजिबल बन जाओगे। जे कीती हुई है तो पी जी टी लिए एलीजिबल हो, पर इहदियां पोस्टां लगभग नहीं निकलदियां, एस एस टी दियां निकलदियां हन। तो बाकी दो सब्जेक्टां लई जिहड़े तुसीं पढ़े हन, होम साइंस ते मैथ, वो इन्हां यूनिवर्सिटीज भी उस तरह ही एलीजिबल हो जिस तरह पिछे दस के आया हाँ। सिर्फ ये एक्सैप्शन सी इन्हां दो यूनिवर्सिटियां दी। सर मैं एम एस सी कमिस्ट्री करी हुई है, मेरे को पी जी टी कमिस्ट्री बनना है, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड डोंट नो पंजाबी लैंग्वेज। अगर आप, अच्छा हिंदी में बात करता हूँ, एम एस सी कमिस्ट्री की करी हुई है ये तो ठीक है, लेकिन आपने बी एस सी कौन सी की हुई है ये बताना है ना, बी एस सी के बेस पर आपको मिलेंगे। अगर आप एम एस सी कमिस्ट्री की हुई है तो आपको साइंस मिल जाएगा, साइंस भी मिल जाएगा, फिजिकल साइंस भी मिल जाएगा मेजर सब्जेक्ट। ओके, जॉब की एलिजिबिलिटी में आपने अगर बीएससी में केमिस्ट्री वगैरह साइंस वगैरह पढ़ी है फिर ये होगा कि किस स्टेट में आप जाना चाहते हो। तो आप पंजाबी नहीं जानते तो आप साइंस के साथ इंग्लिश लैंग्वेज लीजिए, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री है तो आपने बताया नहीं है, अगर तो आपने तीनों दूसरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी और जो है फिजिक्स पढ़ा है तो फिर आप लाइफ साइंस भी ले सकते हो, है ना। मुझे नहीं पता साइंस के साथ लाइफ साइंस, लाइफ के साथ फिजिकल साइंस आपको तो लेना ही चाहिए क्योंकि आपने एमएससी केमिस्ट्री की हुई है, ये मच बेटर है, आपको फ़ायदा है। अगर साइंस के साथ ले रहे हो तो फिजिकल साइंस को प्रेफर कीजिए, अगर तीन सब्जेक्ट हैं। अगर तीन सब्जेक्ट नहीं हैं, एक या दो ही हैं, तो आप फिजिकल साइंस के साथ, साइंस के साथ भी सॉरी आपको मिल रहा है क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पर, दिखा दूँ आपको यहाँ पर, ये अगर आपने केमिस्ट्री की हुई है, ये अलग वीडियो में दिखा चुका हूँ, ये केमिस्ट्री की एमएससी की हुई है तो फॉर टीचिंग ऑफ साइंस आपको मिल सकता है, ये बिल्कुल ठीक ठीक है। आपका फिर बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है एमएससी केमिस्ट्री के बेस पर साइंस और इंग्लिश, दूसरा है फिजिकल साइंस और इंग्लिश, है ना। अगर आपने तीनों पढ़े हुए हैं सब्जेक्ट फिर आपका साइंस के साथ लाइफ साइंस, सॉरी लाइफ साइंस मत लीजिए, तीसरा आप फिजिकल साइंस ही लीजिए क्योंकि एमएससी की हुई है, ये आपके तीन मेजर सब्जेक्ट बन रहे हैं, साइंस इंग्लिश, फिजिकल साइंस इंग्लिश, साइंस और फिजिकल साइंस। वैसे बेस्ट आपका ये बन रहा है अगर आपने तीन पढ़े हुए हैं, दूसरे नंबर पर आप ये चूज़ कीजिए, तीसरे नंबर पर ये चूज़ कीजिए। नेक्स्ट है जी एन डी यू मैथ इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस, तो मैथ आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा, जी एन डी यू में इकोनॉमिक्स भी मेजर बनता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी मेजर बनता है। अब आप कम्पीट सिलेक्शन टेस्ट के लिए कम्पीट किस में कर सकते हो ये देखना है। आगे पढ़ने क्या लिखा है इन्होंने, सब्जेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन एंड माइनर सब्जेक्ट शुड बी मैथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने तीनों साल पढ़े हुए हैं, एडिशनल पेपर कोई नहीं देना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स और कंप्यूटर साइंस लेते हो, बेशक मेजर ये है
मेजर ये है, मेजर यही लीजिए और माइनर ये है, कॉलेज जाके मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वली हैं और टीजीटी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है, कोई एडिशनल पेपर नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप मैथ और इकोनॉमिक्स लेते हो तो आपको एमए इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी, फिर आप सिर्फ पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इधर आप मैथ्स के टीजीटी के लिए एलिजिबल हो और कंप्यूटर साइंस के लिए भी टीजीटी के लिए। सर, फिजिकल साइंस मेन फिजिक्स होती है? यस, फिजिकल साइंस मेन, यहाँ बताता हूँ, या आपको गुड क्वेश्चन है, कर लेना चाहिए ये। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर फिजिकल साइंस मेन ये रहा, फिजिकल साइंस मेन केमिस्ट्री, जियोफिजिक्स ऑनर इन फिजिकल साइंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मेडिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड फिजिक्स, ये होता है। वापस चलते हैं। सर, मैं बीएड विच एसएसटी दे नाल पंजाबी ले सकती हाँ, तो पंजाबी लैन में मैनू एडिशनल पेपर देना पड़ेगा? रजे, इस तरह नहीं पता लगेगा जब तक तुसी अपनी जीएनडी सॉरी यूनिवर्सिटी दसो, दूसरा अपने पेपर इलेक्टिव केड़े पढ़े हुए है वो दसो, फिर मैं दस सकता हाँ। जे तुसी एसएसटी दो मान लो, हिस्ट्री, पॉल साइंस और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, पब्लिक एड और एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंट स्टडीज़, ये पढ़े हुए, इन्हों दो पढ़े हुए है तो एस एस टी ले सकते हो, एलिजिबल हो गवर्नमेंट जॉब ली भी, है ना। स्कूल सब्जेक्ट पढ़े हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, तो दूसरा इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी है ना, तो फिर नाल पंजाबी भी ले सकते हो, फिर कोई भी एडिशनल नहीं देना पड़ेगा। जे इन पेपर नहीं कोई पढ़िया फिर एडिशनल देना पड़ेगा, जे जनरल पंजाबी पढ़ी है तो लै रहे हो फिर पंजाबी का एडिशनल बी ए का देना पड़ेगा। यह सर प्लीज़ मेरे कमेंट का भी आंसर दीजिए, मैं मेरा फोकस पीजीटी पे है, मैंने एम कॉम की हुई है और मैं मेजर और माइनर क्या सब्जेक्ट लूँ? एम कॉम में मी इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था हमें। देखिए, आप इस वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा, वो आप एक अच्छी तरह से देख लीजिए, बी कॉम एम कॉम वालों के लिए है। नॉर्मली आपको इकोनॉमिक्स के लिए आप एलिजिबल नहीं बनते, वो वीडियो देख लीजिए एक बार। और इंग्लिश इसलिए सुजेस्ट करते हैं, जनरल इंग्लिश पढ़ा हुआ है। आपने ये नहीं बताया कि जनरल इंग्लिश भी नहीं पढ़ी, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की है ये नहीं मुझे पता। अगर पंजाब की यूनिवर्सिटी से नहीं है, जनरल इंग्लिश एक साल भी नहीं पढ़ी, है ना, कोई भी लैंग्वेज हिंदी अगर पढ़ी है तो वो मिल जाएगा। अगर इंग्लिश एक साल पढ़ी है तो इंग्लिश का करके आप एमए इंग्लिश कर लेते हो तो एमए इंग्लिश में के लिए पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा, इधर आप कॉमर्स तो आपके पास पेडागोजी मिलेगी ही, एमकॉम आपने की है या करनी है, एमकॉम करने के बाद आप एमको लिए पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन इंग्लिश करने के बाद आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल होते हो और पीजीटी के लिए भी, वो वीडियो देख लीजिए, अच्छी से डिटेल में समझाया गया है। पॉलिटिकल साइंस पंजाबी इलेक्टिव कंप्यूटर पंजाबी यूनिवर्सिटी, वाह क्या बात है। पंजाबी यूनिवर्सिटी विच ही करनी है तो तुसी पॉलिटिकल साइंस दे नाल तुहानू एसएसटी मिल जाएगा। एडिशनल पेपर तुसी हिस्ट्री का दे दो, फिर तुसी एसएसटी लई गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबल हो जाओगे। 3 साल का देना पैना है। एसएसटी दे नाल पंजाबी ही लो क्योंकि पंजाबी दीयां पोस्टां ज़्यादा हैं, कंप्यूटर दीयां घट हैं और तुहानू कोई भी वाधू टैसट नहीं देना पेगा, एग्जाम नहीं देना पेगा। अगली है कि जे तुसी एमए पंजाबी कर लैंदे हो तो पीजीटी लई एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा, इस तो इलावा इसनों हटा के सारा कुछ इधर सोचा जा सकता है कि कंप्यूटर साइंस दे नाल पंजाबी ले ली जावे, कंप्यूटर मेजर और माइनर इलेक्टिव ही रहेगा, पंजाबी ही रहेगा। सो इहदियां पोस्टां घट हन, दैट इज़ वाई इधर शिफ्ट किया जा सकता है, देखना है तुसीं तुहाडा इंट्रस्ट किहदे विच ज़्यादा। सर, तुहाडे रिप्लाई होगा, मेरा मेजर सबजैक्ट एस एस सी बनता है पर एस एस टी माइनर केड़ा, सर माइनर सबजैक्ट केड़ा सिलेक्ट करा? ग्रेजुएशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो पंजाबी कंपलसरी, इंग्लिश, फिलोसफी, पब्लिक एड और पंजाबी लिटरेचर पढ़िया हुआ है। पंजाबी लिटरेचर पढ़िया हुआ तो एस एस टी दे नाल एस एस टी बन गया मेजर और पंजाबी लिटरेचर इलैक्टिव हो गई ना, तो बेस्ट है पंजाबी, एस एस टी पंजाबी ये नहीं छड़ना। ओके, मास्टर डिग्री पंजाबी पर की है, फिर पंजाबी तो छड़ना ही नहीं है, पी जी टी लिए एलिजिबल, टी जी टी लिए एलिजिबल पंजाबी लिए और एस एस टी टी जी टी लिए एलिजिबल। ओके, सर मैं टी जी टी पी जी टी एलिजिबल हाँ, चलो जा, हिस्ट्री का एडिशनल देना पेगा या पेपर किदा हुंदा है?
वो ओडिशनल वीडियो अलग तो दिते गए हैं, इत्थे है तुहाडा तुसी मेजर केड़ा किता है, फिलोसफी तो पब्लिक ऐड है ना, हाँ ये पब्लिक ऐड है, तुहानू हिस्टरी का मेजर देना पएगा और अडिशनल 3 साल का हिस्टरी ही देना सी बी एस ई विच ते केंद्रीय विद्यालय विच नवोदया विद्यालय विच एलिजिबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों फिलोसफी ते पब्लिक ऐड स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, एक स्कूल सब्जेक्ट करना पड़ना है 4 स्कूल सब्जेक्टा चो, वो हैं हिस्टरी जोग्राफी पोलीटिकल सैंस इकनोमिक्स है ना। नैक्सट चलते हाँ सर कमर्स च की रखिए, कमर्स दे ते वक्रा वीडियो है नीचे दे दाँगा तुसी वो पूरा देख लो काइंडली, उस डिटेल विच दस्या गया है, लैंग्वेज ही प्रैफर करना ब्रीफ विच। सर जी मेरे कोल बीएच सोशियोलॉजी इलेक्टिव हिंदी ते फिजिकल एजुकेशन है, सोशियोलॉजी इलेक्टिव हिंदी ते इलेक्टिव हिंदी नहीं छड़ना, नंबर एक सोशियोलॉजी सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ च है और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला च है, पर ये दोनों यूनिवर्सिटियां तुसी एसएसटी भी ले सकते हो, सो एसएसटी हिंदी तुहाडा बेस्ट कॉम्बीनेशन है। दूसरा तुहाडा बेस्ट कॉम्बीनेशन है फिजिकल एजुकेशन ते हिंदी, जे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है तो सोशियोलॉजी तो सॉरी ना सोशियोलॉजी मिलेगी ना एसएसटी मिलेगी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन ते मेजर सब्जेक्ट, इलेक्टिव हिंदी तुहाडा माइनर सब्जेक्ट बनेगा। सर प्लीज मेरा क्या है मेरे सब्जेक्ट हिस्ट्री पोलीटिकल सैंस फिजिकल एजुकेशन हैं, थोड़ा बेस्ट कॉम्बीनेशन बन रहा है, स्कूल सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, ये हिस्ट्री हो गया और ये पोलीटिकल सैंस हो गया, ये थोड़ा इन दोनों के बेस पर एस एस टी बन गया और दूसरा थोड़ा फिजिकल एजुकेशन बन गया, एक कॉम्बीनेशन अवेलेबल है। जे ये नहीं ले वैसे यही प्रैफर करो ना, कॉलेज चेंज कर लो, ये सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन चेंज ना करो, जे चेंज बहुत करना है फिर तुसी तुहानू पंजाबी एस एस टी दे नाल लैनी पएगी जां इंग्लिश लैनी पएगी, इन्हां दा फिर अडिशनल देना पएगा 3 साल दा बी एड दा, बी ए दे नाल भी दे सकते हो, बी एड तो बाद भी दे सकते हो। होर की लिखा है पंजाबी दा मैं अडिशनल पेपर देना है इलैक्टिव सब्जेक्ट दा, उस हिसाब नाल तुसी दस दो जी मैं फिल करा मेजर ते माइनर, जे अडिशनल पंजाबी दा राजे देना ही देना है तो फिर तुसी एस एस टी ते पंजाबी प्रैफर कर लो। तुसी ठीक हो, मैं थोड़ा गलत हाँ, एस एस टी फिजिकल एजुकेशन दे दिता है, ये इस दियां पोस्टां घट होंदियां हन, पंजाबी दियां ज़्यादा होंदियां हन, तुसी एस एस टी पंजाबी दियो ते अडिशनल पेपर नाल करो, ये तुहाडा बेस्ट चंगा होया, मैं पूरा पढ़ लिया, थक्या होया हाँ ते थोड़ा तेजी नाल कर रहा हाँ। सर मैं बी एस सी मैडिकल की हुई है तो साइंस मेजर सब्जेक्ट तो इंग्लिश लैंगुएज माइनर होवे तो मैनू फिर इंग्लिश का अडिशनल पेपर देना पवेगा, इस वास्ते 3 साल ही स्टडी की है ग्रेजुएशन च, प्लीज़ आंसर देना। बिल्कुल जे इस तरह करोगे 3 साल इंग्लिश का अडिशनल पेपर बी ए का देना पएगा, जो बी एड के नाल भी दे सकते हो, ठीक है, अडिशनल पेपर देना पएगा इंग्लिश का। वैसे मैं इंग्लिश 3 ईयर स्टडी की है, जिहड़ी तुसी बी एस सी च पढ़ी है वह जनरल इंग्लिश है, वो नहीं चलेगी, वह बी एड करा देगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लई तुहानू इलैक्टिव इंग्लिश करनी पएगी, ओके, सो तुहानू अडिशनल पेपर देना पएगा। नैक्सट है सर हिस्ट्री और हिंदी कॉम्बीनेशन दे रहे हैं, सर मेरे मैम हिस्ट्री और हिंदी का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, हिंदी करी हुई है मैंने सर, मुझे ये बता दो आप प्लीज़ कि ये कॉम्बिनेशन ठीक है, बीएड के बाद अगर मैं हिस्ट्री एमए करूं तो पीजीटी के लिए एलिजिबल हूं, हिस्ट्री की पोस्ट के लिए टीजीटी के लिए मैं हिंदी के लिए हूं, डॉट क्लियर करो, जीएनडीयू के अंडर स्टडी कर रही हूँ। यस yes. आप हिस्ट्री कर रहे हो, हिस्ट्री मिल गया आपको, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मिलना ही नहीं कोई और, तो हिस्ट्री ही लेना पड़ेगा, बाद में एमए हिस्ट्री करोगे बिल्कुल ठीक, आपको सब कुछ पता है, फिर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। आप मीनवाइल साथ में बीए का एडिशनल पेपर पॉलिटिकल साइंस का जहाँ इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी कोई भी नहीं, इजी सा दो पॉलिटिकल साइंस दे के बीएड करने के बाद आप टीचिंग ऑफ एसएसटी का एग्ज़ाम दे सकते हो, बीएड करने के बाद फिर एसएसटी और हिस्ट्री और ये सारा के लिए एलिजिबल हो जाओगे, साथ में हिंदी अगर इलेक्टिव पढ़ी हुई है तो वो आपका सही है, हिंदी के लिए आप टीजीटी के लिए ये लिखा है आपने एलिजिबल हो, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट है सर प्लीज़ बता दो मैं हिस्ट्री हिंदी फाइन आर्ट्स हूँ, मुझे कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और हिंदी मिल रहा है, सर आप इस कॉम्बिनेशन
के बता दे कि सही कॉम्बिनेशन है, एमए हिंदी में करी हुई है, टीजीटी पीजीटी क्लियर आप प्लीज़। ओके, मेरे ख्याल में ये पहले बता के आया हूँ, ये हादसा पहले भी देखा है। तो ये आपका हिंदी आपका पक्का सब्जेक्ट है, माइनर इसको नहीं छोड़ना, ठीक है, माइनर। और फाइन आर्ट्स के साथ आपको हिंदी मिल रहा है, एक ये भी ठीक है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में है तो हिस्ट्री के साथ भी हिंदी चलेगा। अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में या चंडीगढ़ में हो तो आप हिस्ट्री के साथ एसएसटी ले सकते हो, हिस्ट्री की जगह पर, और साथ में हिंदी ले सकते हो, ये बेस्ट है ना। एमए हिंदी की हुई है, इसको नहीं छोड़ना आपने। इसके बाद आपको एसएसटी ले लेते हो इस यूनिवर्सिटी में हो तो एडिशनल आपको पॉलिटिकल साइंस का फॉर एग्जांपल या और कोई सोशल साइंस का देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कदों फिल करने, आ गई डेट जी, सब्जेक्ट हम फिल कर सकते हो, वीडियो पा देती है। सर मैंने एमए संस्कृत की हुई है, कॉम्बिनेशन बनूंगा फ्रॉम पटियाला, किसी भी कॉलेज में संस्कृत नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई एंड वेटिंग। एमए संस्कृत है लेकिन ये दसो ना, ग्रेजुएशन च दोबारा मैनू मैसेज करो, ग्रेजुएशन च की पढ़िया होया है, ग्रेजुएशन च बाकी सब्जेक्ट की पढ़े हुए हैं, उस ग्रेजुएशन दे बेस ते तुसी मेजर सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तुसी कोई सब्जेक्ट वो नहीं दसे इसलिए मैं वो सुजेस्ट नहीं कर सकता। सो रिप्लाई करो मेजर सब्जेक्ट कहड़े ने। सर जी एंड यू अंडर स्टडी करी हूँ, बताइए हिस्ट्री हिंदी फाइन आर्ट्स। यार ये फिर आ गया, तो ये ऊपर भी था, ये रहा, ये भी है टीजीटी, वही है। एमए हिंदी में मुझे नहीं समझ आ रहा, ये वही है ना मेरे ख्याल में, ये हाथ वाला चौहान साहब, ये भी चौहान साहब, ये वही वाला है। चलो आगे चलते हैं। सर मैंने बीए में इकोनॉमिक्स ली है, ठीक है, एमए भी इकोनॉमिक्स की ली है, फिर बीएड च एडिशनल देना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट कौन से हैं आपने बताया ही नहीं है। बीए इकोनॉमिक्स हो गई, एमए भी इकोनॉमिक्स हो गई, और फिर बीएड विच एडिशनल देना पड़ेगा। यस बीएड विच जे कर चुके हो बीएड, एडिशनल टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट है सर मैं बीए आर्ट जीएनडीयू इंग्लिश पंजाबी इलेक्टिव पंजाबी हिस्ट्री फिलॉसफी, हिस्ट्री फिलॉसफी पढ़ी है ना, वेरी इजी हो गया आपका, ये बन गया आपका एसएसटी, और इलेक्टिव पंजाबी है, एसएसटी और पंजाबी आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, गवर्नमेंट जॉब टीजीटी और सबसे ज़्यादा जॉब इसी की निकलती है। एमए हिस्ट्री की हुई है, इसके लिए बाद में आप एडिशनल पेपर दे दीजिए, बीएड करने के बाद एक साल से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री, फिर आप एलिजिबल बन जाओगे पीजीटी हिस्ट्री के लिए। ओके नेक्स्ट है सर प्लीज़ दस्यो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बीए 6th सेम का रिजल्ट आन तो बाद, हाँ, बीए 6th सेम बाद फॉर्म च भरने हैं जां पहला भरने ने, सर जरूर अप्लाई करियो, हर हालत विच तुसी पहला भरने हैं, क्योंकि तुहानू तुसी पहले 5 सेमेस्टर विच तां पढ़ के आए हो ना, तुसी वो वाले 5 सेमेस्टर विच बीए कीती है, जिहड़े आर्ट्स दे सब्जेक्ट तुहाडे कॉम्बीनेशन बनते हैं, इत्थे दस दिंदे, मैं तुहानू दस दिंदा कि कहड़े सब्जेक्ट तुसी भरने हैं, पहला ही भरने हैं, पहले ही भरने हैं। अगर जे नहीं भरिया होएगा, मिस कर देंगे हो, हजे डेट है 9 तो 18 तक डेट है, तुसी उहदे विच फिल करने हैं, फिल करो, ठीक है। प्लीज़ आंसर मी, क्या आंसर है, क्वेश्चन क्या है, मेरे ख्याल में ये आंसर दे दिया आपका। ओके सर आगे का फॉर्म का प्रोसीजर कैसे करना है, ये एक वीडियो डाल दिया है सब कुछ, कॉलेज सिलेक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको बता दिया है वो कि आगे आपका रोल क्या है। गुड ऑन यू, प्लीज़ आंसर मी, आंसर दे दिया है आपका सी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट है सर मेरे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन पंजाबी इंग्लिश सब्जेक्ट है, प्लीज़ मैंने दस दो मेजर माइनर केड़ा सब्जेक्ट हो गया, रो रिप्लाई किए हैं एसएसटी मेजर माइनर पंजाबी, बिल्कुल थैंक्स, बिल्कुल ठीक है आपका, ये रहा एसएसटी, बहुत अच्छा बन रहा है, यहाँ पर बन गया एसएसटी मेजर और फिजिकल एजुकेशन भी आपका माइनर बन रहा है, माइनर। अब ये क्योंकि अगर आप फिजिकल एजुकेशन लेते हो आपको कुछ भी एडिशनल नहीं करना पड़ेगा, अगर आप पंजाबी लेते हो तो आपको एडिशनल
इलेक्टिव पंजाबी 3 साल का टीजीटी के लिए एलिजिबल बनने के लिए देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि इसकी पोस्ट कम होती है, एडिशनल नहीं देना पड़ेगा, ये एडिशनल देते हो तो इसकी पोस्ट ज़्यादा निकलती है। तो आपके दो बन रहे हैं, एक तो SST फिजिकल एजुकेशन, दूसरा SST पंजाबी, तीसरा SST इंग्लिश भी ऐसे ही बन सकता है। नेक्स्ट है राजवीर। हाँ हेलो सर, मैंने BA मैथमेटिक्स हिंदी साहित्य और पंजाबी फ्रॉम मैं MSU बीकानेर से MA पंजाबी प्राइवेट, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा? मैथ पंजाबी, मैथ हिंदी और अदर कॉम्बिनेशन। ये क्या क्या पढ़ लिया आपने? मैथ्स आपका मेजर रहेगा, मेजर ओके, और हिंदी साहित्य, मैथ और हिंदी आप ले लीजिए, लैंग्वेज वैसे बिल्कुल ठीक है, मैथ और हिंदी लैंग्वेज मिलेगा आपको, यही फिल कीजिए। आपने पंजाबी की MA की है बाद में BEd करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर TGT के लिए, इसके लिए एलिजिबल हो गए, इसके लिए भी एलिजिबल हो गए, दोनों के लिए एलिजिबल हो गए। BEd करने के बाद आप पंजाबी का BEd का पैडागॉजी ऑफ पंजाबी, पैडागॉजी सॉरी BEd का पैडागॉजी ऑफ टीचिंग ऑफ पंजाबी का पेपर दे दीजिए, फिर आप एलिजिबल बन जाओगे PGT के लिए। पर उससे पहले आपको ग्रेजुएशन में भी पंजाबी का, BA में भी पंजाबी का पेपर देना पड़ेगा। अब BA का पंजाबी का पेपर बन रहा है और ये आपका बन रहा है BEd का टीचिंग का पंजाबी का, MA पंजाबी की है, फिर आपको फ़ायदा होगा। तो आपका बेस्ट है मैथ्स और हिंदी साहित्य, दिस इज़ बेस्ट कॉम्बिनेशन, इससे मत हिलिए। मैंने BH मैथ इकोनॉमिक्स इंग्लिश लिटरेचर, तो बहुत अच्छा है, मैथ्स को मेजर सब्जेक्ट लीजिए, मेजर और इंग्लिश प्रेफर कीजिए। कारण ये है, ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया, कारण ये है कि आप ये TGT के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए बिना किसी एडिशनल के आप एलिजिबल हो गए और इसकी पोस्ट भी ज़्यादा निकलती हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो आपको MA करनी पड़ेगी, दिल्ली दूर हो गई 2 साल, और फिर PGT की हो गई 3 साल, फिर आपकी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो कम होंगी। ओके, दैट इज़ वाई मैथ और इंग्लिश बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपका। तो ये वीडियो के नीचे जो क्वेश्चन थे उसके आंसर हैं। थैंक यू।